रीवा से बड़ी खबर ही बता दी कि रीवा में एक दरकेपुन के भयानक एक्सीडेंट सौहे आबा है। बता दी कि बस और ट्रक के सीधी भिड़ंत हुई गई, जोने में करीब 2 यात्रियों के जहां दर्दनाक मौत हो गई तो 30 लोग जो वहाँ घायल बताए जा रहा है। बता दी कि अनूपपुर से यह बस प्रयागराज खातिर जात रही है और जहाँ बता दी कि रीवा में यह सड़क हादसे के शिकार हो गए। तो विनय क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सबजरी का प्रणाम कहीं से शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दी कि रीवा में सड़कन के खूनी खेल रुकत नहीं लगा। एक दरकेपुन के भीषण सड़क हादसा से हुआ बा अनूपपुर से 40 यात्री का लेके जाए वाली बस एक्सीडेंट के शिकार हो गए। बता दी कि दुर्घटना में 2 लोगन के जहाँ मौके में मौत हो गई तो वहाँ 30 यात्री जहाँ घायल बताए जाता वहाँ जिन घायलन का हल्की फुल्की चोट लगी है उनका गगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करके इलाज दी जा रहा है। बता दी कि 8 यात्री जहाँ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उनका रीवा मेडिकल कॉलेज खातिर रेफर कीन गया है। भीषण सड़क हादसा के जानकारी के बाद जिला कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी नवनीत भसीन मौका पर पहुंचे। बता दी कि यह सड़क हादसा गढ़ थाना के अंतर्गत टिकुरी 32 गांव से गुजरे वाले NH 30 हाईवे में बुधवार के सवेरे करीब 3:30 बजे घटित भई है। बता दी कि टक्कर होता यात्री में बता दी कि सवार यात्री में चीख पुकार मच गए। बता दी कि थाना प्रभारी RK गायकवाड़ के मुताबिक अनूपपुर से रीवा आवे वाली बस बता दी कि MP 18P 0699 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जात रही है और जैसे बस टिकुरी के ओवरब्रिज के लगे पहुंची तब सौहे खड़े ट्रक में बता दी कि पीछे से जाए घुसी। बता दी कि जबरदस्त टक्कर में बस के चालक के समेत एक यात्री के चपेट में आए के कारण मौके में मौत हो गई जबकि स्लीपर बस के भीतर सोए वाले यात्री घलाए। दुर्घटना के जद में डायल 100 की जानकारी के बाद थाने के अमला 108 एम्बुलेंस का लेके सहायता खातिर पहुंचा है। बता दी कि घायलन का अस्पताल इलाज खातिर भर्ती करावा का है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा बता दी कि ग्रामीणों के मदद से करीब 30 यात्रियों का जो बस में फंसे रहे उनका बाहर निकाल के गंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करावा का है जबकि चिकित्सकन के द्वारा बस चालक और यात्री का मृत घोषित कर दिया गया है। बता दी कि घटना में 8 गंभीर घायल यात्री हैं जिनका रीवा खातिर रेफर किया गया है। 20 घायलन का बता दी कि गंगेव में इलाज दिन जा रहा है। मामूली चोट वाले यात्रियों का प्राथमिक उपचार दे के बस की मदद से उनके संबंधित गंतव्य खातिर भिजवावा गया है। बता दी कि प्रत्यक्ष दर्शन के मुताबिक अगर प्रत्यक्ष दर्शन के बाद की जाए तो यह घटना जो रही ट्रक क्रमांक UP 70 FT 1190 बनकुइया से ओवरलोड गिट्टे लेके प्रयागराज जा रहा पेटिकुरी 32 हाईवे ब्रिज में चढ़त समय यह ट्रक जोन रहा कर रफ्तार धीमी हो गई। यही बीच पीछे से तेज रफ्तार आवे वाली स्लीपर कोच के बस के चालक के द्वारा नियंत्रण खो दिया जिसके कारण आगे चले वाले ट्रक में या पीछे से बस जोन रही जाए के घुस गए। भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसा के बाद बता दी कि चीख पुकार मच गया यात्रियों में। बता दी कि यह हादसा में चालक रामराज जो 62 साल के रहे निवासी बनारस उत्तर प्रदेश और शहडोल के रहने वाले रजक जो 25 साल के हैं उनकर दर्दनाक मौत हो गई जबकि घायलन में गुलन सिप्थैन पति खुर्शीद अहमद उम्र 30 साल निवासी नौरोजाबाद उमरिया शुभम जायसवाल पुत्र संतलाल जायसवाल उम्र 29 साल निवासी चारघाट रिरवाना पति फारूक अहमद उम्र 50 साल निवासी प्रयागराज के समेत कई यात्री घायल हैं जबकि गंभीर यात्रियों का संजय गांधी रीवा खातिर उनका रेफर किया गया है। यहाँ उनका तत्काल उपचार दिन चल रहा है। रात को 3:30 बजे घटना है। बस प्रयागराज के रीवा से प्रयागराज जा रहे थे आगे ट्रक मिले टिकुरी और ब्रिज के पास तो बस वाला पीछे से ठोकर मार दिया है और उससे जख्मी होकर ड्राइवर ख़त्म हो गया साथ में एक पैसेंजर भी ख़त्म हो गया। बस में कुल कितने लोग घायल हुए हैं? घायलों की संख्या लगभग 30 के आसपास बताया। तो सजग रही सतर्क रही रखिए आप और अपने परिवार के ख्याल दे। इजाज़त प्रणाम।